ट्रस्ट एक बहुत बड़ा वर्ड है एंड एक बहुत बड़ा इमोशन है, एक बहुत बड़ी फीलिंग है जो मेरे को जितने भी कॉल्स आते हैं उसमें से 90% ऑफ द पीपल आर ऑलवेज लाइक, तेजस भैया आप पे ट्रस्ट करके हम पपी ले रहे हैं। सो आज एक ऐसा ही एग्जांपल मैं आप सबके सामने लेकर आना, दिस इज एन इंस्टेंस जहां पे हमारे संदीप जी जिनकी मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में, उनके द्वारा मेरे ऊपर अपार ट्रस्ट अपार विश्वास रख के मेरे को बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर डाल दिया गया। बिकॉज पता है क्या होता है, जब मेरे को कोई बोलता है तेजस जी आप पे ट्रस्ट है, तो कहीं ना कहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है दैट यार नहीं, कहीं ना कहीं मेरे को अपना 200% की जगह 1000% देना है, बिकॉज अगले बंदे ने सिर्फ इतनी सी बात बोल दी है दैट तेजस भैया आप पे हम ट्रस्ट कर रहे हैं, ब्लाइंड फेथ। कई लोगों को इस चीज की महत्वता नहीं पता, बट दिस इज लिटरली एन ऑनर फॉर मी। अच्छा बात क्या हुई आपको वो बता देता हूँ, हमारे संदीप जी हैं रामपुर से, जो शिमला से 120 किलोमीटर और अंदर है हिमाचल प्रदेश में, एंड संदीप जी का मेरे को कॉल आया था दैट तेजस भैया मेरे को एक वेल ब्रेड साइबेरियन हस्की वूली कोट में ब्लैक एंड व्हाइट कलर का विद ब्लू आईज चाहिए मेल, बिकॉज ये एक ऐसी इंक्वायरी है जिसको मैंने मल्टीपल टाइम्स सॉल्व किया है एंड टचवुड एवरीवन इज हैप्पी विद द चॉइस दैट आई मेड फॉर देम। तो अब संदीप भैया ने उसके बाद आगे क्या बोल दिया दैट भैया मैं और मेरी बेटियां आप पे बिल्कुल ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं दैट आप हमें बेस्ट से बेस्ट पपी दिलवाओगे। वहां पे मेरा पसीना छूट गया दैट यार ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, बिकॉज देखो एक्चुअली मैं अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता हूँ, बट कहीं ना कहीं जब सामने वाला आपको अपना अपार विश्वास दिखा देता है आपके ऊपर, तो कहीं ना कहीं यार ऐसा होता है कि यार नहीं इनको मैं और एक्स्ट्रा करके दूंगा एंड मैं जितना बेस्ट से बेस्ट दिलवा पाऊंगा उतना मैं 110% करूंगा। एंड आप कह लो थैंकफुली इस टाइम पे मैं अपना एक ऐसा बच्चा रेडी कर रहा था जो मेरे को लगा कि संदीप भैया की एक्सपेक्टेशंस से बहुत ज्यादा ऊपर होने वाला है, एंड वो है ये भाई साहब। अब आप इनसे मिल लीजिए। हेलो बोल दे यार। तो ये हमारे साइबेरियन हस्की जी हैं वूली कोट के, शर्मार वूली, ये कान पीछे कर लेते हैं बड़े क्यूट लगते हैं, तो प्यार करते हैं ना तो कान पीछे कर ले। हाँ क्या हो गया, ये हमारे साइबेरियन हस्की जी हैं वूली कोट के, ब्लैक एंड व्हाइट कलर विद ब्लू आईज, एक्सट्रीमली हैवी बच्चा। एंड ये एक सेकंड आपको दिखाता हूँ, शर्मा जाते हैं कैमरा कॉन्शियस है। ये देखो आप एक बार इनसे मिलो, ये भाई साहब से मिलो, ये हमारे मोटू भैया, ब्यूटिफुल पप, हैवी पप, एंड ये रिवॉर्ड मैं हमारे संदीप भैया को दे रहा हूँ। अब आप इस बच्चे को एक रिवॉर्ड बोल सकते हो या एक रीइंबर्समेंट बोल सकते हो इस चीज की दैट हमारे संदीप भैया ने हमारे ऊपर ब्लाइंड फेथ किया है, एंड ही इज एन अमेजिंग किड, अमेजिंग टेम्परामेंट, ब्यूटिफुल पपी। बट हाँ एक चीज और यार, ये पहले तू कर ले भाई एक सेकेंड, आप चार्ज लो पहले, फेशियल मिल रहा है मेरे को फ्री में, मैं क्यों ना लूँ, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। ब्यूटिफुल किड, ब्यूटिफुल टेम्परामेंट, एंड ये भाई साहब अभी 50 डेज के अप्रोक्सीमेशन में हो चुके हैं, बट लुक एट द क्वालिटी, ही इज गोन ब्यूटिफुल। और इस बच्चे को हमने अभी तैयार किया है और इसी का एक कजन भाई, यानी कि इनका फादर सेम है मदर अलग है, उस बच्चे से मैं आपको मिलाता हूँ उसको, जिसको हम अभी रेडी कर रहे हैं। ये भाई साहब से मिलो, ये भी एक ब्लैक एंड व्हाइट मेल है साइबेरियन हस्की इन ब्लू आइज, बच्चे उसको लेकर आओ। अब मैं आपको सिमिलैरिटीज दिखाता हूँ, आप इसको रख दो नीचे, आप इसको पकड़ लो, वो आपसे उठेगा नहीं, आप मोटू 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 आओ आओ लेकर आओ। अब आप इन दोनों में सिमिलैरिटीज देखो, और आ जाओ, अब आप इन दोनों में सिमिलैरिटीज देखो, अगर मैं मार्किंग की बात करूं, ये देखो मार्किंग, उसको उसका मुंह थोड़ा सा नीचे करो, हल्का सा नीचे, हाँ अब ये देखो मार्किंग, आईज, फेस स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर, बोन अभी एक सेकंड यार घुमाओ जरा, इसका अभी जो कोट है और मल्टीप्लाई होगा, एवरीथिंग इज नहीं पीछे से भी एवरीथिंग इज जस्ट द सेम। अब ये भी बच्चा यहां पर आ जाएगा, बट कहीं ना कहीं जब हम ये साइज के हस्की की बात करते हैं, इस क्वालिटी ऑफ हस्की की बात करते हैं, इस क्वालिटी की हस्की की बात करते हैं, तो इस एज में आके ये अपने आप को बेटर रिप्रेजेंट कर पाते हैं। मैंने इनफाइनाइट बार बोला है दैट हस्की के जो कान है वो धीरे धीरे खड़े होते हैं, बट स्टिल कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो हमारी यहाँ तो नहीं देखी हुई है या उनको नॉलेज नहीं है, तो उनके हिसाब से हो सकता है दैट ये बच्चा प्योर ना हो बिकॉज इसके कान खड़े नहीं है। आप सबको बताओ दैट हस्की के जो कान है वो धीरे धीरे खड़े होते हैं एंड धीरे धीरे वो अपनी शेप पकड़ते हैं। वूली कोट के जो हस्कीज होते हैं वो ज्यादा टाइम लेते हैं क्योंकि उनका जो कान का स्ट्रक्चर होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है बिकॉज इनकी जो स्किन होती है, फर होती है, वो डबल होती है, वो मोटी होती है। तो ये बच्चा भी धीरे धीरे अपने कान खड़े कर लेगा एंड उसके बाद
ही विल ट्रूली रिप्रेजेंट व्हाट ही एक्चुअली इज. देखो परखने वाली नजर इन लोगों को 30-25 डेज में भी परख लेती है, और मेरे पास भी इसको आए हुए 10 दिन हो गए हैं. हमने उसी दिन परख लिया था. हम तो फादर मदर देख के बता देते हैं दैट ये बच्चा अच्छा जाएगा, ये बच्चा अच्छा नहीं जाएगा. एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई ओनली हैव गुड स्टड्स इन माय सर्कल, जिनसे हम लोग आपको पपी दिलवाने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं. इट्स ब्यूटीफुल, थोड़ा गंदा है अभी, बट हम प्रेफर करते हैं दैट इनको कच्चे जमीन पर ही भगाया जाए. एंड दैट इज द ओनली रीजन दैट थोड़ा गंदे गंदे लिखेंगे आपको. बट जैसा कि मैंने बोला दैट एक परख वाली आंख को बच्चा गंदा मंदा छोटा मोटा जैसा मर्जी समझ आ जाएगा. सो ये वीडियो में आपको मैंने थोड़ा सा डिफरेंस बताना था दैट कौन सी एज में जाके क्या रिप्रेजेंटेशन क्या करेक्टरिस्टिक्स आपको दिखने शुरू हो जाते हैं. और दूसरा मेरे को बहुत अच्छा लगा दैट मेरा कई हफ्तों का हार्डवर्क अब आपके घर लाइफ टाइम के लिए जाने वाला है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग मी. और अब ये वीडियो मेरे को संदीप भैया ने भेजी जब बच्चा उनके पास रामपुर बुशहर पहुंच चुका था. रामपुर बुशहर जो कि शिमला से 120 किलोमीटर और ज्यादा आगे है. और ये वीडियो देख के एक श्योरिटी तो मेरे को आ गई है दैट हमारा बच्चा बहुत अच्छे घर में गया है एंड उसको बहुत अच्छे कंपेनियंस मिले हैं जो लाइफ टाइम उसका ख्याल तो रखेंगे रखेंगे बट उससे बहुत ज्यादा प्यार लेंगे भी और उसको बहुत ज्यादा प्यार देंगे भी. और अब इस अगले क्लिप में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ डॉक्टर विशेष से, जिनके घर हमारा छोटा वाला पपी जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है वो गया है. डॉक्टर विशेष का मेरे को कॉल आया था बरेली से और उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो सेम उससे मैच करती थी जो मैंने आपको पप अभी दिखाया है. एंड जैसा कि आपने देखा अभी दैट जब ये वीडियो रिकॉर्ड हुई थी तो पपी के कान बैठे हुए थे, बट जब यही वाला पपी बरेली उनके पास पहुंचा इतने ड्यूरेशन में उस पपी ने अपने कान भी इरेक्ट कर लिए. और साथ ही साथ जो वीडियोस मेरे को डॉक्टर विशेष ने भेजी अपने घर में पपी को वेलकम करते हुए की वो देख के तो मेरी आंखें भर आई. और मैं आपको दिखाता हूँ डॉक्टर विशेष ने पपी का वेलकम कैसे किया और साथ ही साथ जो इन्होंने मैसेज दिया हम सबके लिए वो भी आपको सुनाता हूँ. हेलो फ्रेंड्स, सो हमने अभी हस्की परचेज करा है तेजस भाई से, तो उन्होंने हमें गाइड करा कि हम कौन सा पपी लें. एक्चुअली मैं बहुत टाइम से सर्च कर रहा था कि मैं क्या लूँ, कौन सा पपी लूँ, तो मेरे साइड में इतने ब्रीडर जो थे वो नहीं ठीक थे. तो मैंने सर्च करा तो तेजस भाई से बात हुई, उन्होंने फिर मुझे बताया कि हाँ मेरे पास एक पप है. बिल्कुल उन्होंने एकदम परफेक्ट मार्किंग वाला पप और एकदम ब्लू आईज परफेक्ट हस्की जिसे कहते हैं वो उन्होंने हमें ये तरह दिया. और उन्होंने ये पपी फिर मुझे पूरा गाइड करा कि इसको कैसे फीड करना है, कैसे इसको मेडिकेशन देनी है. और उन्होंने जालंधर से इसे भिजवाया है, बहुत ही मतलब केयर के साथ ही आया है, फुली वैक्सीनेटेड, कॉल सपोर्ट. और जब भी उनको मैं फ़ोन करता हूँ वो पूरे टाइम कॉल पे रहते हैं, मतलब एक एक चीज़ वो बताते हैं हर चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा. उन्होंने यही बोला कि सर आपको एक बार मैंने दिया है तो लाइफ टाइम मैं आपके साथ रहूँगा. और बाकी फैमिली को ये बहुत ज़्यादा ही पसंद आया है. बहुत सुंदर, बहुत प्यारा बच्चा है हमारा ये. और मतलब गोल्ड कैनल इज बेस्ट कैनल आई हैव सीन. और मैं चाहूँगा आप लोग भी वहाँ से परचेज करें, एक बार ट्राई करें, क्योंकि एक बार ही आपको लाइफ टाइम में लेना होता है. तो आप जो भी लें एक अच्छी ब्रीड लें. थैंक यू.